हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका विद फरहत। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इंडो चाइनीज़ रेसिपी, चिकन चिली की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही इजी है और खाने में ये बहुत टेस्टी होता है, और इसे मैंने आज बनाया है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है चिकन, ऐसे कट कर ले छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बोनलेस चिकन, आप चाहें तो विथ बोन भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ लिया है आधा चम्मच। हर चीज़ की मेजरमेंट मैंने इस चम्मच से की है, इस खाने वाले चम्मच से। अंडा हमें चाहिए होगा एक। मैदा मैंने यहाँ लिया है चार छोटे चम्मच। कॉर्नफ्लावर तीन छोटे चम्मच। लेमन जूस एक छोटा चम्मच। एक चम्मच सोया सॉस। एक चौथाई चम्मच कुटी काली मिर्च। नमक आधा चम्मच या आपके स्वाद अनुसार। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले कर लेते हैं हम अपने चिकन को मैरिनेट। इसके लिए मैंने चिकन में ये डाला है लेमन जूस, सोया सॉस, एग, मैदा, कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे ड्राई स्पाइसेस। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। चिकन के सारे पीसेस पे सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब इसे हम रख देंगे रेफ्रिजरेटर में एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे आप 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं मैरिनेशन में। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ लिया है ऑनियन 2 मीडियम साइज़, इस तरह से कट कर लें। कैप्सिकम 1 मीडियम साइज़, इस तरह से कट कर लें। अदरक हमें चाहिए होगा ग्रेटेड 1 चम्मच। फाइनली चॉप्ड हमें चाहिए होगा गार्लिक 1 चम्मच। 2 ग्रीन चिली फाइनली चॉप। टोमेटो सॉस हमें चाहिए होगा 3 छोटे चम्मच। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 छोटे चम्मच। 1 छोटे चम्मच मैंने यहाँ लिया है ग्रीन चिली सॉस, आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं। कॉर्नफ्लावर यहाँ मैंने लिया है 3 छोटे चम्मच। ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राइंग के लिए और कुकिंग के लिए। नमक हमें चाहिए होगा 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच कुटी काली मिर्च, यहाँ मैं यूज कर रही हूँ 1 पिंच रूट कलर, आप चाहें तो इसे डालें। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो चलते हैं अब इसे फ्राई करने। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम और अपने चिकन पीसेस को इसमें हम डालेंगे। चिकन पीसेस को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, और इसे फ्राई करने में हमें 10 से 12 मिनट लगेगा ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए, और बीच बीच में हम पलटते भी रहेंगे ताकि चारों तरफ से चिकन अच्छे से कुक हो जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इस पर बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। निकाल लेते हैं इसे हम एक टिश्यू पे। पैन से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच तेल। फिर हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च, और देर के लिए इसे सौते करेंगे। इसमें अब हम ऐड कर देंगे प्याज, से भी फ्राई करेंगे हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम ऐड कर देंगे अपना कैप्सिकम, इसे भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। हमारा प्याज और कैप्सिकम अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे टोमेटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस। सॉस हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्न स्टार्च का ये स्लरी। हमारे पास 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर था, इसे मैंने 1 कप पानी में घोल कर स्लरी तैयार किया है, इसे हम ऐड कर देते हैं इसमें। इसमें हम ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च और फूड कलर, और इसे थोड़ा देर 1 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि कॉर्नस्टार्च का कच्चापन निकल जाए। ये अच्छे से भून चुका है, ग्रेवी भी हमारी गाढ़ी हो गई है। इसमें हम ऐड कर देंगे अपने चिकन पीसेस को, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, इसे भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हमारा चिकन चिली बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। फ्लेम को कर देंगे हम अब ऑफ और इसे सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही डिलीशियस चिकन चिली। इसकी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आप घर में ट्राई करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।